सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यहां पे बताने वाले हैं आधार कार्ड की न्यू अपडेट के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, UIDAI की तरफ से यहां पे आधार कार्ड में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को आधार कार्ड में क्या क्या नई अपडेट आई है उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही लगातार छोटे बड़े अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आप लोगों को हर छोटी बड़ी लेटेस्ट ऑनलाइन अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड में जो है न्यू अपडेट क्या आई हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए अपने गूगल के क्रोम ब्राउजर में टाइप करना होगा theupdatepro.com। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोगों को ऊपर में ही theupdatepro.com का ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा। आप लोगों को इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, इसके होम पेज पे आप लोग आ जाएगा। ऊपर आप लोगों को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे जो है ऊपर में एक आधार कार्ड न्यू अपडेट 2024 की अपडेट जो है दिख जाएगी। अब आप लोगों का किस तरह से आधार कार्ड बनेगा, क्या क्या आधार कार्ड में चेंजेस किए गए हैं, सारी जो है जानकारी आज की इस वीडियो में इस वेबसाइट में आप लोगों को मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड के नए अपडेट के बारे में मैं बता दूँ कि आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल करना, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि UIDAI की तरफ से एक नया अपडेट आया है। जो कि आधार कार्ड डाउनलोड करते थे तो उसका इंटरफेस आप लोगों को पहले कुछ और दिखता था, लेकिन अब जो आप लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ और तरह से दिखेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ें चेंज की गई है आधार कार्ड के इंटरफेस में, आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर ऊपर करना है और नया आधार कार्ड आप लोग किस तरह से डाउनलोड करेंगे उसकी सारी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हाउ टू डाउनलोड न्यू आधार कार्ड, यानी कि न्यू आधार कार्ड अब आप लोगों का किस तरह से डाउनलोड होगा और क्या इंटरफेस होगा, वो आप लोगों को सारी चीजें इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड जैसे फ्रेंड्स डाउनलोड होगा तो आप लोगों को उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं वो आप लोगों को मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल करके दिखाने वाला हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि पहले आप लोगों का कुछ इस तरह से आधार कार्ड आता था, लेकिन आप लोगों का ये जो सेक्शन है ये वहां पर नहीं शो होता था। अब इसमें क्लियर मेंशन कर दिया गया कि आधार पहचान का एक प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। तो यानी कि अब आप लोगों का जो आधार कार्ड का ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आप लोगों का सिर्फ वो एक पहचान है, ये नागरिकता या जन्मतिथि का कोई भी जो है दावा नहीं करता है। आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मेंशन की गई है पॉइंट टू पॉइंट के। अब आप लोगों को किस तरह से यहाँ पे आधार कार्ड में चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है या आप अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र में टाइप करें theupdatepro.com, आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर जो है जितनी भी आधार कार्ड न्यू अपडेट 2024 की आई हुई है वो सारी जानकारी इस वेबसाइट पे आप लोगों को लगातार मिल रही है। तो आप लोगों को इस वेबसाइट पे विजिट करना, और अगर आप लोग आधार कार्ड अपना डाउनलोड करना चाहते हैं नया वाला, तो आप लोग जो है इस वेबसाइट की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। ये UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस पे भी विजिट कर सकते हैं या आप हमारे सोशल मीडिया के लिंक के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे अपना नया आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और आप लोगों को बहुत सारी यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।